हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैसे समझेंगे? हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसके हम दोनों एंड्स पर कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड वी से दैट देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन दिस, द चार्ज मूविंग पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। लेकिन एक्चुअल में इनका मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है या किसी और पाथ में होता है? तो इसको समझना है। इसमें आप फिगर में देख रहे हैं, आपको ये जो ब्लू लाइन से दिखाया हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मोशन है। कब? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है इस पे, सिंपल एक कंडक्टर में। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो लगातार जो है मोशन में होते हैं, थर्मल मोशन होते हैं। थर्मल एनर्जी के कारण वो मोशन में होते हैं। कैसे मोशन में होते हैं? जिगजैग मोशन में, आपस में टकराते रहते हैं, जो आयंस हैं उनसे टकराते हैं और उनकी डायरेक्शन रैंडमली चेंज होती रहती है। तो ये आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक देख रहे हैं ए से जा रहा है, यहाँ जाता है, यहाँ पे कॉलिजन होता है, फिर ऐसे मूव करता है, तो डिफरेंट डायरेक्शन से मूव करता हुआ ये लास्ट में बी पॉइंट तक आ गया है। ठीक है, सारे मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें किसी भी इंस्टेंट पे, तो वो एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है सभी इलेक्ट्रॉन्स की मिला के। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट मूव कर रहे हैं उतने ही लेफ्ट मूव कर रहे हैं, जितने अप मूव कर रहे हैं उतने डाउन मूव कर रहे हैं, तो कुल मिला के एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, यानी कि वो अपने कंडक्टर के अंदर ही कन्फाइंड रहते हैं, उसको छोड़ के बाहर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इफ यू वन यू टू यू थ्री अप टू यू एन आर वेलोसिटीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे, देन इनका एवरेज यानी कि यू वन प्लस यू टू अगर हम एड कर दें यू एन तक और एन से डिवाइड कर दें, दैट इज जीरो। या हम कह सकते हैं सिग्मा यू आई अपॉन एन इज इक्वल टू जीरो। आई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? वन से एन तक। इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है किस डायरेक्शन में? राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हैं तो उन पर फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका मोशन कैसा होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन ए से इस पॉइंट तक जा रहा था, अब ये इस लाइन में ना जाके जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसके अलोंग जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ये फोर्स फील्ड के ऑपोजिट डिस्प्लेस हो गया है, फिर टकराता है, कॉलिजन होता है, फिर ऐसे जाता है, फिर मूव करता है। कॉलिजन्स लगातार होते जाएंगे, डायरेक्शन भी चेंज करते रहेंगे, लेकिन जब वो सम कॉलिजन्स के बाद जाएगा, जैसे पहले बी पे पहुंच रहा था, तो अब कहाँ पहुंच रहा है वो? अब वो बी डैश पे पहुंच रहा है, यानी कि बी की जगह पे बी डैश पे पहुंच गया, इतना जो है वो ड्रिफ्ट हो गया है किस डायरेक्शन में? फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो है अब जो है एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका स्कूल में लंच होता है, रेसेस होती है, तो सारे बच्चे जो है ग्राउंड में खेलते हैं, ग्राउंड प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो प्ले ग्राउंड में ही रहते हैं, प्ले ग्राउंड से बाहर नहीं जाते हैं। और जैसे ही रेसेस खत्म होती है तो सभी बच्चे जो है धीरे धीरे मूव करने लगते हैं अपनी क्लास की तरफ, लेकिन कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उनके मोशंस जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, वेलोसिटीज भी अलग अलग होती हैं, लेकिन वो ड्रिफ्ट होने लगते हैं क्लास की तरफ। तो उसी तरह से ए इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, जिस वेलोसिटी से वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे हम? मान लीजिए हम जो है एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कंसिडर आईथ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन्स है, हमने आयत इलेक्ट्रॉन लिया है। अब उसकी वेलोसिटी जो है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी जब उसने कोलाइड किया है, दैट इज यू आई। हमने फील्ड अप्लाई करी है तो जो फोर्स लगेगा उस पर कितना लगेगा? फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एफ, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। ये जो एफ फोर्स है ये क्या है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पढ़ी थी डेफिनेशन,
फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, क्यू इंटू ई। क्यू कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए, माइनस ई, और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सलरेशन कितना होगा, एक्सलरेशन ऑन इन इलेक्ट्रॉन। एक्सलरेशन कैसे निकालते हैं हम, फोर्स अपॉन मास, यानी कि एक्सलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सलरेशन इतना है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ये थी और एक्सलरेशन हो गया, तो और वो नेक्स्ट कोलिजन तक जाता है, उसका टाइम जो है टी आई, ये हम ले लेते हैं, टी आई इज द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। तो वेलोसिटी एक्वायर्ड इन दिस टाइम, इन टाइम टी आई, टी आई टाइम में कितनी वेलोसिटी एक्वायर होगी, वो हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे, कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी आई इज इक्वल टू यू आई प्लस ए इंटू टी आई। टी आई हमने क्या लिया है, टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स। तो कॉलिजन से पहले ये वेलोसिटी थी, और जो है मतलब एक कॉलिजन के बाद ये वेलोसिटी थी, फिर अगला कॉलिजन होता है तो उससे पहले उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है, यानी कि दो कॉलिजन्स के बीच में इतनी वेलोसिटी जो है यू आई से वी आई इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हमें निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो हम निकालेंगे इन सब की एवरेज, ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन की निकाली है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए इन सब की हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू सिग्मा वी आई का एवरेज, आई इज इक्वल टू वन टू एन। इसका हम एवरेज करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा यू आई अपॉन एन प्लस ए इंटू टी आई निकाला था हमने, इसका सिग्मा करेंगे अपॉन एन। या हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर हम इसको वी डी से लिखें, दैट इज इक्वल टू सिग्मा यू आई अपॉन एन, आई इज इक्वल टू वन टू एन प्लस ए की वैल्यू कितनी थी, माइनस ई ई अपॉन एम। हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स, इतना एक्सलरेशन है, इनटू इसका एवरेज टाइम का, इट मीन्स सिग्मा टी आई अपॉन एन, आई इज इक्वल टू वन टू एन। अब ये टर्म क्या है, ये हमने अभी निकाली थी, ये जो है शुरू में जो इसकी वेलोसिटी थी उनका एवरेज क्या था, जीरो, ये टर्म जीरो। सो वी गेट इट इज इक्वल टू जीरो प्लस दैट इज माइनस ई ई अपॉन एम इंटू सिग्मा टी आई अपॉन एन, आई इज इक्वल टू वन टू एन। अब टी आई हमने क्या लिया था, टी आई वॉज द टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स, और ये टाइम भी जो है हर इलेक्ट्रॉन के लिए, हर कॉलिजन के लिए अलग अलग होता है। तो इसका अगर हम एवरेज निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ से। तो हम लिख सकते हैं वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टॉ, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। या वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टॉ। ये माइनस का साइन क्या बता रहा है कि वी डी और ई की डायरेक्शन अलग है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी बाय विच द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर आर ड्रिफ्टेड अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं अपोजिट टू द फील्ड, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म इज मोबिलिटी। ये भी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ही आती है। हमने पढ़ा था कि कंडक्शन, पढ़ा था हमने कि जो है कंडक्टर्स में करंट कैसे फ्लो होती है। लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कि मेटल्स में क्या होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आयनाइज्ड गैसेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं साथ ही पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं।
और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और नेगेटिव आयंस भी होते हैं। सो हम डिफाइन करते हैं मोबिलिटी। नाम से पता चल रहा है मोबिलिटी क्या है कि मूव करने की एबिलिटी। ठीक है, तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है तो हमने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रिफ्ट होने लगे, यानी कि उनके अंदर एक वेलोसिटी आ गई है जिससे कि वो मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो हम मोबिलिटी डिफाइन करते हैं कैसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, म्यू से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी हमने, मैग्नीट्यूड अगर हम लिखते हैं तो ई अपॉन एम इंटू टॉ। अगर हमें मोबिलिटी निकालनी है तो इसको क्या करना है, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे इसको तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगी, दैट म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन ई टॉ अपॉन एम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी तो विल गेट दिस टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी, अगर हम यूनिट निकालें इसकी, इसे से निकालते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज वोल्ट पर मीटर। सो व्हाट विल यू गेट, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, या मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो जितनी मोबिलिटी ज़्यादा होगी उतना ही कंडक्शन उसमें ज़्यादा होगा, चाहे वो मेटल है या आयोनाइज गैस है या इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे, हम डिराइव करेंगे एक रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये हम देख रहे हैं। करंट एक कंडक्टर है जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस पर हमने ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है। माइनस ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमको करंट डिफाइन करनी है। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो एक करंट जो है इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, सपोज आई इज द करंट। और आई हमने कैसे डिफाइन करी थी, चार्ज मूविंग थ्रू एन एरिया पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चार्ज मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट। अब कंसिडर करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये कैसे इधर मूव करना शुरू हो जाएंगे और उनकी वेलोसिटी क्या होगी, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, अगर हम निकालें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। हमने स्पीड पढ़ी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या स्पीड डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दैट इज इक्वल टू वी डी इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा वो डेल्टा टी टाइम में यहाँ पहुँच जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर वो डेल्टा टी टाइम में यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी कि डेल्टा टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो जाएंगे, जितने कि इस पूरे वॉल्यूम में है। ये जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको, इस पूरे वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इसमें जो है इस एरिया के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगे। या हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले, वॉल्यूम कवर्ड इन टाइम डेल्टा टी। कितना वॉल्यूम कवर किया है, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, वी डी इंटू डेल्टा टी। इतना वॉल्यूम कवर किया है, नंबर डेंसिटी एन है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स है। तो इतने वॉल्यूम में अगर हम निकालना चाहें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, एन मल्टीप्लाइड बाय ए वी डी इंटू डेल्टा टी, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस ई। तो चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ है, चार्ज ट्रांसफर इन टाइम डेल्टा टी, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया है, माइनस ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ई एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी, इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अगर करंट आई है तो हम लिख सकते हैं आई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ई एन ए वी डी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट आई इज इक्वल टू माइनस ए एन ई वी डी।
दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें भी नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो वीडी के ऑपोजिट है। जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वीडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन क्या है, इसके ऑपोजिट। हालांकि हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम एक नई क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं। क्या है वो, अगर हम इसको लिखें आई अपॉन ए, यानी कि इस ए को इधर ले जाएं, तो क्या होगा ये माइनस एन ई वी डी। और इस आई अपॉन ए को हम डिफाइन करते हैं एक नई क्वांटिटी जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। रिप्रेजेंट कर से करते हैं इसको जे से, जे दैट इज इक्वल टू माइनस एन ई वी डी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जे क्या है, करंट डेंसिटी। कैसे डिफाइन करेंगे, करंट पर यूनिट एरिया, एरिया कैसे लेना है हमको, टेकन नॉर्मल टू द करंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय जे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, इसकी क्या होगी, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट के लिए एम्पियर, इसके लिए मीटर स्क्वायर। इसमें अब हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, जे यानी कि करंट इस एरिया में, इस एरिया, एरिया का वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो जे की डायरेक्शन ये है, वी डी की डायरेक्शन ये है। अब जे वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको इसमें वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओम्स लॉ जो हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा था उसको भी हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था कि V इज इक्वल टू I इंटू आर। फर्दर हमने जो है R के लिए रिलेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, V इज इक्वल टू I, और R को हमने लिखा था रो L अपॉन A, क्योंकि R किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे। अब अगर हमने कोई कंडक्टर लिया है जिसका एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया, L उसकी लेंथ है, उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस हो गई है। तो E, V और L में एक रिलेशन होता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dL। यानी कि हम V को क्या लिख सकते हैं, V की जगह हम लिख सकते हैं E इंटू L, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू L, दैट इज इक्वल टू I रो L अपॉन A। L कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट E इज इक्वल टू I अपॉन A इंटू रो, और वी कैन राइट E इज इक्वल टू J इंटू रो। J क्या है, करंट डेंसिटी। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E इज इक्वल टू J इंटू रो, दैट इज द ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। ऐसे भी लिखा जाता है ओम्स लॉ को, ठीक है। इसको हम और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम J की फॉर्म में लिखना चाहें, J इज इक्वल टू वन अपॉन रो इंटू E, इसी इक्वेशन से आया है ये। J लिखेंगे तो J इज इक्वल टू वन अपॉन रो इंटू E, या हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी याद आ रही होगी आपने 10th क्लास में पढ़ी है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी विच इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, सिग्मा इट इज इक्वल टू जे ई, दिस इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ओम्स लॉ को हम इस फॉर्म में और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो हमने करंट डेंसिटी डिफाइन करी है, जे इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, ये जो है ये भी प्रूव करता है कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। कैसे, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ए क्या है, एरिया वेक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, जे और ए का डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी प्रूव हो जाती है। जे क्या है, करंट डेंसिटी, इसकी एक डायरेक्शन होती है, और ए क्या है, एरिया वेक्टर, इसकी भी एक डायरेक्शन होती है। तो अगर हम करंट निकाल लें इस फॉर्म से, डॉट प्रोडक्ट से, देन वी गेट जे डॉट ए। नेक्स्ट इज रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी के बारे में हमने लास्ट टर्म पे पढ़ा था, इसको डिफाइन भी किया था हमने, और इसके हमने यूनिट्स भी निकाली थी, ठीक है। अब हम रेसिस्टिविटी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने डिराइव करी है अभी रिलेशन किसमें, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, आई इज इक्वल टू माइनस ए एन ई वी डी, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए एन ई,
और वी डी हमने निकाला था कितना, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ। टॉ क्या है इसमें, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू टॉ। आई को क्या लिख सकते हैं, हम वी अपॉन आर इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर अपॉन एम इन प्लेस ऑफ ई, अभी हमने यूज किया था वी अपॉन एल इंटू टॉ। ये वी कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी गेट, वन अपॉन आर इज इक्वल टू दिस मिल जाए, और वी कैन राइट आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉ। या हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ और एल अपॉन ए, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिखा हमने इसको ऐसे, क्योंकि हमने आर को डिफाइन किया था कैसे, रो एल अपॉन ए। तो अब अगर हम कंपेयर करें, ये एल कैंसिल हो जाएगा और ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है रेसिस्टिविटी की, जो बताती है हमको कि रेसिस्टिविटी जो है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था ना कि रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे और टेम्परेचर पे। तो इस रिलेशन से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे डिपेंड करती है और किस सब्सटेंस के लिए कैसे होगी। इसी से अगर हम कंडक्टिविटी निकालना चाहें, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वन अपॉन रेसिस्टिविटी, दैट इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम, दैट इज द रिलेशन फॉर कंडक्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डिफरेंट मटेरियल्स डू नॉट एग्जिबिट द सेम डिपेंडेंस, हर मटेरियल के लिए सेम डिपेंडेंस नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स दैट इज नॉट टू लार्ज, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटलिक कंडक्टर इज अप्रॉक्सिमेटली गिवन बाय दिस रिलेशन। रेसिस्टिविटी के लिए जो टेम्परेचर डिपेंडेंस की रिलेशन है वो ये होती है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट वन प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। इसमें रो टी क्या है, इट इज अ रेसिस्टिविटी एट द टेम्परेचर टी, एंड रो नॉट इज अ रेसिस्टिविटी एट द टेम्परेचर टी नॉट। जब टी नॉट था टेम्परेचर तो रेजिस्टिविटी रो नॉट थी, और जब हमने टेम्परेचर बढ़ा के टी कर दिया तो रेजिस्टिविटी कितनी हो गई, रो टी हो गई। इसमें ये जो एल्फा कॉन्स्टेंट है, दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। कैसे करेंगे इसको डिफाइन करने के लिए, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या लिखेंगे, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट एल्फा टी माइनस टी नॉट, या रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू एल्फा टी माइनस टी नॉट, और वी कैन राइट दिस माइन अपॉन रो नॉट एंड वन अपॉन टी माइनस टी नॉट दैट इज इक्वल टू एल्फा। तो एल्फा जो है इसके इक्वल है। इसमें अगर हम t माइनस टी नॉट को 1 ले लें यूनिटी, देन एल्फा बिकम्स हाउ मच, दिस अपॉन रो नॉट, या हम कह सकते हैं चेंज इन रेसिस्टिविटी अपॉन द ओरिजिनल रेसिस्टिविटी, या फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी। तो हमने डिफाइन किया है फ्रैक्शनल इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को हम 1 राइज करते हैं, टेम्परेचर में राइज जो है हम 1 केल्विन का करते हैं, तो रेसिस्टिविटी में कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा, दैट इज टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो हम यूनिट इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, रेसिस्टिविटी है ये भी रेसिस्टिविटी है, इनकी यूनिट्स कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, 1 अपॉन टी टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, के इनवर्स, या डायमेंशन निकालेंगे तो टी इनवर्स, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, अब हम डिफरेंट मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कैसे डिपेंड करती है ये। इसमें हम देख रहे हैं ये कंडक्टर्स हैं, इनकी रेजिस्टिविटी गिवन है हमको,
कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इनकी रेजिस्टिविटीज गिवन है। ये हमने पहले भी देखी थी कि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, और सेमीकंडक्टर्स की उनकी बीच में होती है। इस कॉलम में हम देख रहे हैं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी है किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। कैसा है? पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर्स के लिए ये जो है नेगेटिव है। क्या मतलब है इसका? इसमें जो है रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, जबकि सेमीकंडक्टर्स में रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी कम होती है, यानी कि रेसिस्टिविटी कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, इसलिए इसमें अल्फा नेगेटिव लिया है हमने। ठीक है, तो कैसे डिपेंड करती है? पहला है ये कॉपर की, ये हमने कॉपर के लिए ग्राफ ड्रॉ किया रेजिस्टिविटी का और टेम्परेचर का। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसी वैसी रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? रेजिस्टिविटी के लिए हमने ये रिलेशन डिराइव की थी अभी, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। इसमें एम कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई कॉन्स्टेंट है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या बचा? एन और टॉ। अब कंडक्टर्स में एन की वैल्यू भी फिक्स होती है, तो सिर्फ टॉ रह जाता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉलिजन्स जल्दी जल्दी होने लगेंगे, तेजी से होंगे, यानी कि टॉ कम हो जाएगा। टॉ कम होगा, टॉ जो है वो डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टिविटी क्या है? इंक्रीज हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स इनवर्सली बोथ ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड द एवरेज टाइम बिटवीन कॉलिजन। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, मोर फ्रिक्वेंट कॉलिजन्स टेक प्लेस एंड देयरफॉर टॉ डिक्रीजेस। टॉ डिक्रीज होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर जो है उसकी रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एन जो है मेटल्स में वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए मेटल्स की जो रेसिस्टिविटी है कंडक्टर्स की वो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है। दूसरा केस है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में क्या देख रहे हैं? रेजिस्टिविटी, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, जस्ट ऑपोजिट केस है। जबकि रिलेशन तो यही यूज कर हो रही है, एम जो है कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट है, तो रेजिस्टिविटी एक तो एन पर डिपेंड कर रही है और रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है टॉप पे, और दोनों का ही इन्वर्स वेरिएशन है। तो इसमें क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कॉलिजन्स ज़्यादा तेजी से होंगे, तो टॉ तो डिक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, लेकिन साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाती है, एन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये जो इंक्रीज इन एन है दैट डोमिनेट्स द डिक्रीज इन टॉ। एन में इंक्रीज ज़्यादा होता है, टॉ में डिक्रीज कम होता है, तो इस वजह से एन डोमिनेट करता है, एंड हेंस फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स एन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, दिस इंक्रीजेस मोर इज मोर देन कंपनसेट्स एन एन डिक्रीज इन टॉ। सो फॉर सच मटेरियल्स रो डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या है? एक एलॉय है, इसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर बहुत कम डिपेंड करती है, वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत ज़्यादा वेरिएशन रेजिस्टिविटी में नहीं होता है, यानी कि इसके लिए अल्फा की वैल्यू जो है वेरी स्मॉल होती है, बहुत कम जो है इसमें टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नाइक्रोम की तरह ही मेटल्स होते हैं, एलॉयज होते हैं, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, जिनकी भी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए इन मटेरियल्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर में या मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर जो हम पढ़ेंगे अभी आगे, उनमें यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम? गिवन टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज 1.7 10 टू पावर माइनस 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो है रेजिस्टेंस गिवन है इन प्लेस ऑफ रेजिस्टिविटी। गिवन क्वांटिटीज क्या है? शुरू में रेजिस्टेंस टी नॉट पे कितना है? 100 ओम। बाद में रेजिस्टेंस टी टेम्परेचर पे कितना हो जाता है? 117 ओम। टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। बाद में टेम्परेचर कितना है वो हमको निकालना है।
एंड अल्फा इज गिवन 1.7 10 टू पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि ये सेल्सियस में गिवन है तो इसलिए हम टेम्परेचर को भी सेल्सियस में ही रहने देंगे। इक्वेशन जो हमने पढ़ी है आर टी रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है, हमें गिवन है आर, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने ये रिलेशन पढ़ी थी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन टी, तो हम रो की वैल्यू आर के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, आर टी ए अपॉन एल, दिस वन विल बी आर नॉट ए अपॉन एल, क्योंकि ए और एल तो चेंज नहीं हो रहा है, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, तो ए अपॉन एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सेम ये रिलेशन आ जाएगी आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, यानी कि इस रिलेशन को जो हमने रो के लिए लिखी थी वो हम आर के लिए भी लिख सकते हैं। एंड अल्फा इज ऑल्सो कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टिविटी, इसको हमने टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला था, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो हमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, दिस इज 107 ओम, दिस इज 100 ओम, 1 प्लस अल्फा गिवन 1.7 10 टू पावर माइनस 4 टी माइनस 27, और इसको सॉल्व कर लेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, बस डिफरेंस थोड़ा सा इतना है कि इसमें हमको वोल्टेज और करंट गिवन है। हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू अ वैल्यू ऑफ 2.8। सो वॉट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर इज 27 एंड वैल्यू ऑफ अल्फा इज गिवन। तो इसको हम R निकाल लेंगे, जो T टेम्परेचर पे, सॉरी जो स्टार्टिंग में R था R नॉट, वो कितना था V अपॉन I, दैट इज 230 अपॉन 3.2, इट विल कम आउट टू बी 71.8 ओम। बाद में R कितना हो गया है V अपॉन I, V तो इतना ही रहा है, I कितना हो गया 2.8, तो 30 अपॉन 2.8 इट विल बी इक्वल टू 82.1 ओम। अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.7 10 टू पावर माइनस 4, टी नॉट गिवन है कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, अल्फा की वैल्यू भी पर सेल्सियस में गिवन है, टी हमको निकालना है, तो वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, इट मीन्स 82.1 इज इक्वल टू 71.8 1 प्लस 1.7 10 टू पावर माइनस 4 टी माइनस 27। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम, 71.8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.7 10 टू पावर माइनस 4 टी माइनस 27। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा टी की वैल्यू, दैट इज 867 डिग्री सेल्सियस। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।